नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में सेफ है और सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर ऐप का ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे और ये ऐप क्या है। आज मैं आपको इस ऐप का कुछ यूसेज पैटर्न बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये जो मेरा फ़ोन का UI है, ये है इस फ़ोन का ओरिजिनल UI। और दोस्तों ये जो आपके सामने स्क्रीन आ रहा है दोस्तों, ये है इस फोन का होम स्क्रीन। तो दोस्तों इसका जो होम स्क्रीन है वो थोड़ा सा खास है, पर दोस्तों इसका जो ऐप ड्रॉयर है ना, ये कुछ खास नहीं है। और दोस्तों इसमें सादा वॉलपेपर नहीं मिलता है। तो दोस्तों अभी हम माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर ऐप पे स्विच करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे टैप किया। तो दोस्तों देखिए, पूरा ऐप का जो मतलब दोस्तों पूरा फ़ोन का जो UI है, ये पूरा का पूरा चेंज हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों मतलब जो होम स्क्रीन है इसका तो मतलब दोस्तों सेम है, पर मेरे ऐप ड्रॉयर पे जितना भी ऐप्स था वो दोस्तों मेरे फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुका है। और दोस्तों अब देखिए, इसका जो ऐप ड्रॉयर है दोस्तों, ये भी देखिए बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। आपके वॉलपेपर के, आपके होम स्क्रीन के वॉलपेपर के हिसाब से ही अपना कलर चेंज करता है दोस्तों। और दोस्तों आपको इसमें लॉन्चर का सेटिंग भी मिलता है दोस्तों, जिसमें दोस्तों जाके आप अपना सिस्टम सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और तो और दोस्तों, मेरा फ़ोन दोस्तों बहुत स्लो है वैसे में, तो ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया नया वॉलपेपर मिलता है। अगर आप अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखते हैं तो आपको ये खास फीचर मिलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे टैप किया और दोस्तों ये दोस्तों एक आ गया है। और दोस्तों ये जो दोस्तों बाकी सारे हैं ना, इसको मतलब दोस्तों डाउनलोड करना पड़ेगा वाईफाई या अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन के मदद से। तो दोस्तों देखिए, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट इमेज किया और दोस्तों मैंने इसको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन किया। तो ये देखिए, अभी दोस्तों कुछ देर में ही सेटिंग में आ जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों मतलब दोस्तों ऐसा है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है वॉलपेपर का, अगर आप इस वॉलपेपर को टैप करते हैं ना, तो आपका फ़ोन का होम स्क्रीन का जो वॉलपेपर है चेंज हो जाएगा, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन है तभी। दोस्तों मेरे फ़ोन में ये नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। और दोस्तों इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर का बहुत सारे मतलब ऐप मिलता है दोस्तों, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और दोस्तों ये आपके फ़ोन के जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से अपने आप को चला पाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको इसमें एक बहुत ही खास चीज़ वो मिलता है कि इसको इसमें दोस्तों आपका जो ऐप का जो मतलब दोस्तों मतलब जो UI है दोस्तों ना, मतलब कुछ ऐप होता है मतलब दोस्तों कॉर्नर वाली, कुछ ऐप होता है दोस्तों राउंडेड, कुछ ऐप का होता है दोस्तों सर्किल वाला। तो ये दोस्तों उसको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए मेरा जो क्रोम है दोस्तों है सर्किल, और दोस्तों जो गैलरी है दोस्तों वो देखिए है अपना राउंडेड कॉर्नर वाला ऑप्शन। तो दोस्तों वैसा ही सब कुछ है। और दोस्तों इसमें आपको लॉन्चर सेटिंग में दोस्तों इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। तस्वीर देखिए दोस्तों, थीम में आपको डार्क मोड का दोस्तों ऑप्शन मिलता है, ये देखिए दोस्तों मेरा फ़ोन पूरा डार्क मोड पे चला गया। दोस्तों हम लोग के पोको के पास दोस्तों बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिसमें आपको डाउनलोड दोस्तों डार्क मोड नहीं मिलता है, पर अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आप अपने फ़ोन को सिंपली इजीली डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसको आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए बहुत सारे दोस्तों मतलब ऑप्शन है सेटिंग से। और दोस्तों देखिए, ये दोस्तों है होम स्क्रीन, ये दोस्तों ये है होम स्क्रीन वाला सब कुछ अपना ये सेटिंग्स। तो दोस्तों आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मैंने जब का पहले बताया था ना ऐप का UI उसके हिसाब से। ये देखिए दोस्तों, ये आप अपने ऐप का जो आइकॉन है उसको चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखिए ये रहा आइकॉन पैक,
तो देखिए दोस्तों ये चेंज हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा आपको इसमें डॉक, एम्प्लॉयर का सेटिंग, गेस्चर, सर्च और भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों तो देखिए जो आपका जो मतलब फ़ोन का जो दोस्तों टाइमिंग है क्लॉक है वो दोस्तों एक सेट पे दोस्तों आ चुका है। और दोस्तों इसमें आपको अच्छा सा नोटिफिकेशन पैनल मिलता है, पर उसके लिए आपका फ़ोन जो है उसको एंड्रॉयड 7 या फिर उसके ऊपर होना ज़रूरी है, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों मेरा फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड 5.1 है, इसलिए ये दोस्तों ये मतलब नोटिफिकेशन पैनल चेंज नहीं हुआ है। पर दोस्तों अगर आपको एक फास्ट डिवाइस चाहिए, अगर आपको एक बैटरी एफिशिएंसी मतलब दोस्तों बैटरी कम लगे ऐसा डिवाइस चाहिए, अगर आपको अच्छा सा वॉलपेपर चाहिए, तो आप इस माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ़ोन में इजीली इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।